हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न इन हिंदी नोटबुक एंड इन हिंदी नोटबुक व्हाट वी हैव टू डू चलिए देखते हैं आज हमें करना है क कर से ग्यारह तक लिखिए सो पेरेंट्स फाइनली नोट इट डाउन द डेट कैप्शन क से ग्यारह तक लिखिए क्लास वर्क एंड प्लीज पुट पोटे डॉट्स ऑन ब्लू लाइन आपको ब्लू लाइन पर इन ईच लाइन यू हैव टू डॉट ओनली फाइव डॉट्स ओके आपको केवल फाइव डॉट्स एक लाइन में ही करने हैं तो टोटल आपको थर्टी सिक्स करने हैं थर्टी सिक्स डॉट ठीक है शब्द लिखिएव टू राइट एप्शन दो अक्षर के शब्द लिखिए हैंड फोट द डॉट सेवन डॉट्स ऑन ब्लू लाइन और हमें एक और पेज में वर्क करना है चित्र देखकर सही शब्द लिखिए तो आज हमें ये तीन पेज में वर्क करना है तो चलिए हम करते हैं पहले क से तक लिखिए तो क से तक हम लिखेंगे चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है ठीक है क और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन जैसी फॉर्मेशन आपने सीखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे क कबूतर क के बाद ख ख, खरगोश और थर्ड लेटर गमला गमला के बाद घ, घड़ी स्लीपिंग लाइन घ घड़ी के बाद अंगा खाली और अंगा खाली में आप साइड में डॉट लगाएंगे ठीक है और जब ये अंगा खाली का ये लास्ट वाला कप जहा डालते हैं इसको ऊपर वाले ब्लू लाइन तक ले जाना है फिर अंक खाली के बाद चम्मच चम्मच बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है फिर छाता स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर जहाज ज जहाज उसके बाद झंडा आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है और यहां खाली या खाली या खाली देखो क्या अब हमारा ट वर्क शुरू होगा तो हम लिखेंगे पहले ट टमाटर टमाटर के बाद ठ ठठेरा और डलिया ढ ढक्कन और अड़ा खाली बहुत ध्यान से आपको बहुत अच्छे से ठीक है अगर खाली फिर त तरबूज त तरबूज बहुत अच्छे से स्लीपिंग लाइन फिर थ थर्मस और आपको पता है थर्ड थर्मस में केवल स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हम स्लीपिंग लाइन में आएंगे था थर्मस के बाद द दवात दवात के बाद ध धनुष और ध धनुष में भी केवल स्टैंडिंग लाइन के ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और फिर न नल नॉनल के बाद प पतंग प पतंग के बाद फ, फल फ, फल के बाद ब बकरी भवन भ भवन बनाने भा के लिए और भवन भा में भी केवल स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हमें स्लिपिंग लाइन करिए मछली फिर यज्ञ यज्ञ के बाद र रसी ल लड्डू वन वन के बाद श शलगम आपको बहुत अच्छे से लिखना है फिर श स सपेरा ह हल ह हल के बाद छ क्षत्रिय छ छत्री में केवल स्टैंडिंग नाइन के ऊपर हम स्लीपिंग नाइन बनाएंगे और त्र त्रिशूल त्र त्रिशूल में फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको ठीक है और ज्ञ ज्ञानी चलो ये वाला वर्क आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है ठीक है